दोस्तों आज की कहानी है, बहू तुम्हारा फर्ज पहले ससुराल के लिए है ना कि मायके के लिए। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आजकल राधिका जी के घर में बहुत धूमधाम से शादी की तैयारी चल रही थी। हर कोई बढ़ कर शादी में हिस्सा ले रहा था। पता ही है शादी के घर में कितने काम होते हैं। जब तक बेटी विदा ना हो जाए तब तक कुछ ना कुछ कमी रहती ही है। यही हाल राधिका जी और उनके पति मोहन जी का हाल था। वह बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। हर चीज को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे। राधिका जी अपने पति मोहन जी से बैठकर बातें कर रही तभी उनके बेटे का फोन आ गया। बेटा कब आ रहे हो? बहन की शादी में बस कुछ दिन ही रह गया, अभी बहुत काम है। बस दो दिन में आ जाएंगे। बेटा बस जल्दी आ जाओ। राधिका और मोहन जी, एक बेटा जीवन और एक बेटी मेरा है। जीवन की शादी अभी 2 साल पहले ही कामनी से हुई थी। दोनों पति पत्नी मुंबई में नौकरी करते थे और अभी दोनों को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली थी, इसलिए वह लोग अभी आ नहीं पाए। बेटी का अच्छे घर से रिश्ता आ गया तो इस साल उसकी शादी है, जिसकी तैयारियों में मोहन जी लगे हुए हैं। 2020 में जीवन भी शादी की तैयारियों का जायजा लेने आ जाता था। हाँ, उसकी पत्नी कामनी नहीं आ पाई थी क्योंकि दोनों का साथ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। कामनी ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी आपके या मीरा के लिए कुछ सामान लाना हो तो मैं लेती आऊँगी, आप बता दीजिए। पति के हाथ से फोन लेती हुई कामनी बोली, क्योंकि कामनी और उसकी सास का रिश्ता सास बहू का नहीं एक दोस्त का था। कामनी हर बात बहुत आसानी से अपनी सास से कह लेती थी, नहीं बेटा बस तुम अपनी तैयारी करके आना या तुम्हें कुछ लेने का समय नहीं मिलेगा, अभी बहुत काम पड़े हैं, आकर तुम उसमें बिजी हो जाओगी। मम्मी जी मैंने तो हर फंक्शन में पहनने के लिए ड्रेसेस ले दी, साथ में मैचिंग ज्वेलरी और सूडी सेट भी ले लिए, बच्चों की तरह सहकती हुई कामनी बोली। हाँ भाई, दुल्हन की भाभी हो, सबसे सुंदर तो लगाना ही सही है। सुनो ठीक है बेटा, फोन रखती हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना, बस सब जल्दी आ जाओ। जिस दिन दोनों की फ्लाइट थी, फ्लाइट के कुछ देर पहले जीवन का फोन आया, पापा कामनी नहीं आ पाए कि उसकी मम्मी को हार्ट अटैक आया है, उसके भैया भाभी को दूसरे शहर से आने में वक्त लगेगा क्योंकि वो लोग बिजनेस की वजह से आउट ऑफ सिटी है। तब तक कामनी को उनके साथ हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। हमारी फ्लाइट आज शाम की है इसलिए मैं ही अकेला आ रहा हूँ। इतना सुनते ही मोहन जी भड़क उठे, ऐसा कैसे हो सकता है कि ननन की शादी में बहू ना आए? एक ही बहू है हमारी, लोग क्या बोलेंगे? मीरा के ससुराल वालों को क्या कहूँगा कि बहू यहाँ शादी छोड़कर माँ को देख रही? बहू की जिम्मेदारी यहाँ की है, बहू को आने को बोलो, बहू का भाई देखे अपनी माँ को, उसकी जिम्मेदारी है। तुम बहू को लेकर तुरंत यहाँ पहुँचो, सुन रहे हो ना मेरी बात को? बहू नहीं आई तो तुम भी मत आना, मोहन जी ने बेटे से गुस्से में बोले। तभी पति के हाथ से राधिका जी ने फोन ले लिया, जीवन कामनी को वहीं रहने दो, इस समय सबदीन जी को किसी अपने की जरूरत है, सासू माँ और बेटी से बड़ा माँ का सहारा कौन होगा? बहू
की वहाँ ज्यादा जरूरत है या हम देख लेंगे, माँ के पास काम नहीं रहेगी तो उनकी हिम्मत बंदी रहेगी। अपनों का प्यार विश्वास हो तो इंसान जल्दी ठीक हो जाता है। लोगों की चिंता मत करो, उनके कुछ कहने के डर से हम अपनों को बीमारी की हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते। बहू को कहना सब ठीक हो जाएगा, चिंता न करे और बिल्कुल भी परेशान न हो, उसकी माँ जल्द ठीक हो जाएगी। बेटा अब तुम एयरपोर्ट जाओ, तुम्हारी फ्लाइट का भी टाइम हो गया। तुम्हें किसने कहा भी इसमें बोलने के लिए? तुम्हें ना कोई जानता है ना पहचानता है। लोगों के सवालों का जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। तुम बेटे और बाप के बीच में क्यों आ रही? लोगों के सवाल का जवाब तो मुझे देना है। तब राधिका जी शुभ ना रह सकी और बोली, क्यों? क्या मेरे बेटे बहू पर मेरा अधिकार नहीं? वो मेरे भी बेटे बहू का, मैं उनकी माँ हूँ। कुछ बोलने का कहने का मेरा भी हक उतना है जितना आपका है। और मैंने गलत क्या बोला? हर गलत बात को दोहराना ही क्या इस घर का रिवाज है? राधिका का तीर निशाने पर लगा। मोहन जी के आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई, बस गुस्से में बड़बड़ाते हुए चले गए। जानते थे राधिका किस बात का दर्द आज तक लिए बैठी है। राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे आज भी उन यादों को याद करना मुश्किल हो रहा था। उसकी ससेरी ननन की शादी थी, उसी दौरान उसकी मम्मी की तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी। जब उसने मोहन से माँ को देख आने की बात कही तो मोहन ऐसे ही भड़का था जैसे राधिका ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। राधिका तुम घर की पहली और बड़ी बहू हो, इस समय तुम्हारी जरूरत यहाँ है। वह तुम्हारा भाई है, वो देख लेगा। तुम्हारा फर्ज पहले ससुराल के लिए है न कि मायके के लिए। उसने बड़ी आस भरी नजरों से सासू माँ की तरफ देखा, पर उन्होंने भी उसका साथ नहीं दिया। पूरी शादी में अपने आंसुओं को छुपा कर होठों पर मुस्कुराहट बिखेरना कितना मुश्किल था, वही जानती है। अगले दिन उसे अपनी मम्मी के देहांत की खबर मिली और उसको ये अफसोस जिंदगी भर रहेगा। वो अपनी माँ से मिल सकती थी, लेकिन उस पर जिम्मेदारियों का बोझ डालकर मना कर दिया गया था। ऐसा नहीं था कि वो बहू के न आने से दुखी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि कामनी अपनी माँ के पास रहे, क्योंकि माँ सिर्फ बेटे की जिम्मेदारी नहीं होती, बेटियाँ की जिम्मेदारी होती है। और एक बेटी से वो ये हक नहीं छीन सकती। वो नहीं चाहती थी जो उसके साथ हुआ वो बहू के साथ भी करे। आज भी उसकी आंखों में आंसू थे, मगर खुशी के उसे खुशी थी कि उसने अपनी बहू का साथ दिया। उसकी बहू को उस दर्द से नहीं गुजरना पड़ेगा जो उसने सवे भोगा था। लेकिन ये बात वो अभी भी समझने में असमर्थ थी कि बहू हो जाने से बेटी के अपने माता पिता के लिए जिम्मेदारी खत्म कैसे हो जाती है। बेटों की तरह बेटियां भी तो माँ बाप की जिम्मेदारी उठा सकती है ना, क्योंकि माँ को खोना क्या होता है। वह राधिका जी बहुत अच्छे से समझती थी, शादी के बाद एक बेटी की जिम्मेदारी बस ससुराल नहीं होती, वक्त आने पर वह माँ बाप की जिम्मेदारी भी उठा सकती है।